अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया इज एन ऑर्गेनली ऑफ अ सेल। ये एक सेल का ऑर्गेनल है, यानी दिस इज अ सब सेलुलर स्ट्रक्चर विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन अ सेल। तो उसको हम ऑर्गेनली को हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो रिचर्ड ऑल्टमैन ने जो है वो डिस्कवर किया था 1890 के अंदर। रिचर्ड ऑल्टमैन वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। उसके बाद उसने इसको नाम दिया था बायोब्लास्ट का। ये जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया है ये कार्ल बेंडा ने 1898 के अंदर ये टर्म इसके लिए इस्तेमाल की थी। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जब हम नाम जिससे इसको जानते हैं इस ऑर्गेनेल को, इस टर्म को कार्ल बेंडा ने डिवाइस किया था। माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? दीज आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल के पावर हाउस है। ये क्या करता है? आप इसे कह सकते हैं कि दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ सेल विच टेक इन न्यूट्रिएंट्स एंड क्रिएट एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच सेल यूटिलाइज फॉर देयर डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो इसको हम स्टडी करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी। दे आर ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इन्हें सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी बनाते हैं और सेल को प्रोवाइड करते हैं। इनके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे अपीयर टू बी अ वेसिकल रॉड और फिलामेंटस स्ट्रक्चर, बट अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे लुक वेरी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। देयर नंबर शेप एंड इंटरनल स्ट्रक्चर वेरी। उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर या शेप होती है या नंबर जो होते हैं वो वेरी करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ व्हाइल इनर मेम्ब्रेन फॉर्म इन फोल्डिंग इनटू द इनर चैनल कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। उसने कहा आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो इन साइड पे इन फोल्डिंग्स बनाती है। ठीक है, और वो इन फोल्डिंग्स किसके सराउंडिंग बनाती है? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के सराउंडिंग में। दीज इन फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टा। इन फोल्ड्स को हम क्रिस्टा कहते हैं। क्रिस्टा इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स। मेम्ब्रेन कंटेन डिफरेंट एंजाइम्स। माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन आर स्मॉलर इन स्ट्रक्चर टू अदर सेल मेम्ब्रेन्स। इसके सेल इसके जो मेम्ब्रेन होती है उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि दूसरी सेल मेम्ब्रेन्स का होता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल इसकी अहम प्रॉपर्टी है बिकॉज इट कंटेन इट्स ऑन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। एफ पार्टिकल्स द इनर सर्फेस ऑफ क्रिस्टा इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैज स्मॉल लोब लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज F1 पार्टिकल्स। तो इसके अंदर स्मॉल लोब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें इसकी कंपोजिशन की तो इट कंटेन्स अ एंजाइम को एंजाइम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ठीक है, जिससे वो ATP जो है उसकी फॉर्मेशन करता है। इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स को एंजाइम्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स व्हिच हेल्प इन सेवरल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लाइक क्रैब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रैब साइकिल हमें पता है जिसके अंदर जो है पाइरुवेट एसिड जो होता है वो सिट्रेट के अंदर कन्वर्ट होता है, उसके बाद जो है वो फिर जो है ऑक्सैलो एसिटेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इसी तरह ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज जो होती है उसको पाइरुवेट के अंदर डिफरेंट स्टेप से कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं जो कि सेल की रेस्पायरेशन के लिए या सेल को एनर्जी सप्लाई करने के लिए जरूरी है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो है वो उनके अंदर ही होते हैं। ATP एज अ रिजल्ट ऑफ दीज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑर्गेनिक फूड ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी कंपाउंड दैट इज अ ATP। ATP इज अ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। एंड ATP देन सप्लाई एनर्जी टू द सेल। साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी अकॉर्डिंग टू द सेल। जिस तरह का सेल होगा वैसे ही इसका जो नंबर है वो साइज वेरी करते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन हमारे लिवर के अंदर 1000 to 2000 जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर होते हैं एक सेल के अंदर। लेकिन अगर हम मेमेलियन स्पर्म की बात करें तो स्पर्म के अंदर ये 50 to 75 इन नंबर पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं। तो ये इनके साइज की बात होगी। दे स्पेंड एनर्जी विच इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ATP इज जनरेटेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया इनटू ATP। तो इनकी जो है आपने याद रखना है कि जो सेल के अंदर एनर्जी जो स्पेंड हो जाती है जो कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट की शक्ल में होती है इसको वापस ATP के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इस वजह से इनको हम पावर हाउस ऑफ द सेल P कहते हैं। इनकी ये डायग्राम मैंने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है।
दिस इज द डायग्राम। डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये क्रिस्टा है, ये जो इन फोल्डिंग्स आपको नजर आ रही है, जितनी इन फोल्डिंग्स है अंदर की तरफ, दीज आर द क्रिस्टा। दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये इनका डीएनए है, ये राइबोसोम है, और ये वो मैट्रिक्स है जिनके अंदर जो है एंजाइम, को एंजाइम, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। ये इसके राइबोसोम्स हैं और ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू।